जहाँ रुके हुए हरिद्वार में चले पूजन की तैयारी कर रहे हैं। हाय एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग। आपका दिन अंकल है। तो आज हरिद्वार में अभी जहाँ रुके हुए हैं वहाँ आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ रुके हैं। तो चले, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। अब देखिए, ये मुख्य द्वार है, श्री राम प्रचार सालासार हनुमान मंदिर है। आप देख पा रहे हैं कि आप यहाँ पे, ये इंट्रेंस है यहाँ का, और ये साइड में ये देखिए संकट मोचन का, ये पहाड़ पर इतना खूबसूरत दृश्य बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं। और हम जैसे ही गेट के अंदर इन कर रहे हैं, ये देखिए हम अभी गेट के अंदर इन कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। यहाँ आप चलिए मंदिर में, श्री राम मैया सीता और लक्ष्मी जी का दर्शन करते हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे ये साइड में कार्यालय है जहाँ पे बुकिंग वगैरह होता है, आप देखिए यहाँ। और इस तरह इसमें आपका बना हुआ है रूम सब वहाँ जाने का। तो चलिए ये मुख्य द्वार को दर्शन करें, चलते हैं। यहाँ देखिए बालाजी का है, और ये सीढ़ी से हम यहाँ चढ़ रहे हैं। हम ये सीढ़ी के ऊपर, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो चले दर्शन करें श्री राम भगवान, मैया सीता, लक्ष्मण। ये देखिए आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं, देखिए। तो हम तो दर्शन कर रहे हैं और साथ साथ आप लोग सभी को हम दर्शन करा रहे हैं इस पावन स्थल पर, मैया सीता, श्री राम, लक्ष्मण, भरत। तो आप देखिए, तो यहाँ से हम थोड़ा आपको नज़दीक भी लेके चलते हैं। तो ये देखिए, एक साथ बोले जय श्री राम, ये देखिए। और यहाँ से हम यहाँ चलते हैं, और यहाँ पे संकट मोचन हनुमान जी का बाल रूप से लेके पूरा एक दिखाए हुए हैं। तो यहाँ आप देखिए ऋषि मुनि का दर्शन करें, यहाँ आप देखिए, और श्री राम देखिए बाल रूप, ये हनुमान जी का आप देख पा रहे हैं। इधर देखिए आप, जय भगवान। और आगे चलते हैं दर्शन, देखिए यहाँ पर। और यहाँ तीन फ्लोर है, हम चलेंगे लेके आपको दर्शन कराएंगे, ये देखिए। देखिए ये मंदिर के चारों ओर बने हुए हैं, यहाँ देखिए। यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए हनुमान जी को, नाम गुरु जी पर
अभी देखिए गुरु जी भी पूजा की तैयारी कर रहे हैं और आपको लेके चलते हैं संकट मोचन का। नीचे में यहाँ तो ऊपर और नीचे में जैसे जाने का यहाँ से रास्ता है, ये गुफा ही बोलिए यहाँ पर, जो कि जहाँ पर संकट मोचन श्री हनुमान जी खुद से प्रकट हुए हैं। तो ये देखिए नीचे की ओर है, ये चल रहे हैं हम और यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ देखिए चले, ये बेसमेंट में और भी नीचे है, तो मैं आपको लेके चलती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे स्वामी जी का, और यहाँ पहले आप दर्शन करें संकट मोचन का, जहाँ पे आप रूपी आए हैं। ये संकट मोचन आप देखिए और आप देख सकते हैं यहाँ खुद से प्रकट हो गए हैं संकट मोचन। तो यहाँ पर है जो भी जिसकी मन्नत होता है वो नारियल में अपना एक चिट्ठी लिख के, लेटर लिख के नारियल में लगा के यहाँ पर रखते हैं ताकि उनका मन्नत पूरा हो। और आप देखिए यहाँ पर नारियल बंधा हुआ है भगवान के, इसमें सब अपने अपने चिट्ठी को लिख के और नारियल में बांध के मन्नत पूरा करते हैं। ये देखिए और आप देख सकते हैं संकट मोचन का जो खुद से प्रकट हुए हैं साइड में बना हुआ है। तो चलिए यहाँ से आप दर्शन करें और आगे की ओर चलते हैं। और इस तरह से यहाँ पे चारों तरफ से यहाँ एक बार घूम जाते हैं। ये देखिए ऐसे आ गए और यहाँ से हम बाहर की ओर दर्शन करके निकल सकते हैं। जय संकट मोचन, जय भगवान। अब हम आपको लेके चलते हैं दूसरी मंजिल पे। आपको फर्स्ट जो बेसमेंट में संकट मोचन का दर्शन का है, सेकंड यहाँ पे जो मुख्य द्वार के सामने श्री राम मंदिर, और अभी हम थर्ड फ्लोर के ऊपर चलते हैं। तो ये आपका ये सीढ़ी है थर्ड फ्लोर पे जाने का। अब आ गए हम तीसरी फ्लोर में। अब देखिए बाबा है भगवान, इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही सुंदर। तो ये गुरु जी स्वामी जी पूजा की तैयारी कर रहे हैं, तो पूजा अर्चना यहाँ अभी शुरू होगी। अब यहाँ से यहाँ साइड में देख सकते हैं ये रास्ता है, और यहाँ भी बहुत ही खूबसूरत छोटा सा वाटिका बना हुआ आप देख सकते हैं, इतना सुंदर है। तो यहाँ ये देखिए इतना खूबसूरत है, और यहाँ पे आप देखिए, और ये वाटिका में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पे यहाँ से जाने का है। और यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ विष्णु भगवान का, गरुड़ भगवान का और संकट मोचन का। तो आप यहाँ देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है ना। तो मैं यहाँ जहाँ भी जाती हूँ कोशिश मेरा यही रहता है कि आप लोग सब जगह से अवगत कराएं और एक एक प्लेस को दिखाएं, ताकि जब भी कभी यहाँ पर आए तो आप लोग को दिक्कत ना हो। तो ये यहाँ देखिए ऐसे ये देख पाते हैं यहाँ से आपको विष्णु भगवान, गरुड़ भगवान और ये संकट मोचन। और यहाँ रात में यहाँ फवारा भी चलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ से हम आपको ले चलते हैं, यहाँ देखिए एक कृष्ण भगवान का
वाटिका का, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। वहाँ पे चलते हैं तो आप देखिए यहाँ पे ये है कृष्ण भगवान का, ये देखिए वाटिका है ना सुंदर। यहाँ लिफ्ट से भी खोलो लिफ्ट को, ये देखो यहाँ लिफ्ट है, लिफ्ट से भी हम जा सकते, लिफ्ट लगी हुई है तो बहुत सुविधा है। आओ आओ, अगर उन्होंने लिफ्ट मंगवाया हाँ तो आओ, लिफ्ट ऊपर नहीं जाएगा जब तक गेट नहीं बंद होगा। माता जी आ जाओ, लेना भाई एक और सामान, आ जाओ तू भी चलो, आ जाओ पैसे पूरे लेके आ जाओ, सी आ जाओ और इसको बंद करो। सेकेंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, ये देखिए यहाँ का रूम है, आप देख सकते हैं रूम भी बहुत अच्छा है। बता ये देखो, लेकिन हमारे पास यहाँ पे सिर्फ दो ही डबल बेड लगे हैं, डबल बेड का लगा हुआ है, एक सोफा भी लगी हुई है, और ये फर्श देखिए, और यहाँ चेयर है, छोटा सा टेबल है, एसी है, एसी, और ये हमारे पास एक छोटा सा गैलरी आ जाता है, जिसे ये दिखा देता हूँ, हमारे पास एक छोटा सा गैलरी है। ये कितना अच्छा बता रहा है, ये है पर छोटा लेकिन सुकून देने के लिए सबसे बड़ा चीज है, इसलिए दिल की चीज सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि दिल की चीजों को हमेशा बड़े बड़ा बोला जाता है, यही बात बड़ा बोला जाता है। और यहाँ बाथरूम का क्या है, यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम है, ये देखिए यहाँ का वेस्टर्न कमोड भी लगा हुआ है, हाँ वेस्टर्न टॉयलेट कमोड भी हमारे पास, और यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी हमारे पास, बाथ भी आ गया, बाल्टी टेबल सब कुछ है, हम यहाँ पे नहा भी सकते हैं, हाँ यहाँ पे रस्सी भी दिया है, काफी अच्छा है ना, रस्सी तो बाहर निकाल सकते हैं, तो ये रूम का है, ये जो आप इसी तरह से यहाँ का सारा ही रूम है, आप देख सकते हैं इस रूम को दिखाए, और आप सब रूम ऐसे ही है, सब रूम में ये खुला है, यहाँ भी देखिए ये रूम का, ये देखिए यहाँ भी ये रूम का, तो ये फैसिलिटी है इस तरह का सब रूम में। और सब रूम का ये है, देख सकते हैं यहाँ मैलून लगा हुआ है, इसी तरह से यहाँ का, और ये कॉरिडोर है ना, सब सब रूम में कॉरिडोर है ना, कॉरिडोर खोलो ना ये वाला, हाँ नहीं, यहाँ से आप देखिए, यहाँ से निकल के आप कपड़ा वपड़ा यहाँ सुखा सकते हैं, और यहाँ देखिए भारत माता मंदिर का यहाँ दर्शन, पास में सारा मंदिर है, तो इस तरह से और भी हम आपको दिखाएंगे बहुत, यहाँ से ये स्पेस है, तो जैसे इधर ये देखिए नंबर दिया हुआ सबका इस तरह से, फिर ये साइड में है, फोन फोन थोड़ा हट हट के है ये सब बना हुआ, बहुत ही अच्छा है। ये सीढ़ी का देखिए, ये सीढ़ी से हम थर्ड फ्लोर में सीढ़ी है, देखिए छत, ये छत का देखिए बहुत बड़ा स्पेस है, और छत से आपको व्यू दिखा रहे हैं, इधर बहुत ऊपर सुबह आके कपड़ा टांगू ना सूखने का, या यहाँ आके वॉकिंग भी कर सकते हैं, ये देखिए गंगा किनारे, गंगा मैया का दर्शन कीजिए यहाँ से, ये देखिए ये गंगा मैया का है, और यहाँ से देख सकते हैं माँ गंगे को, यहीं से रास्ता है जाने का छत में, और यहाँ से देखिए ये व्यू छत के ऊपर से, आप चारों तरफ का देख सकते हैं, यहाँ से देखिए सुबह का, यहाँ से आपको यहाँ नीचे से या छत के ऊपर से आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ का व्यू, यहाँ से ये मंदिर का ऊपर जो थर्ड फ्लोर का गुंबज है, और यहाँ से देखिए
बहुत ही खूबसूरत लग रहा है आपका। ये देखिए पूरा स्पेस है यहाँ का। यहाँ गौशाला भी है और हॉल भी है, यहाँ पर देख सकते हैं। और हम दिखाएंगे इस तरह, ये देखिए यहाँ का भी। वाओ देखिए बहुत ही सुंदर। और थोड़ा हम ले चल रहे हैं, अब देखिए यहाँ का इतनी अद्भुत, बहुत ही सुंदर दृश्य दिख रहा है। और यहाँ पे हम खड़े हैं छत के ऊपर और गंगा मैया का भी दर्शन कर रहे हैं साथ साथ। ये अपना योगा वगैरह भी देखिए, ये अपना योगा वगैरह भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज योगा कर रहे हैं। तो हरिद्वार आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो अपने घर आ गए, और बहुत ही अच्छा लगता है ये पावन धाम, ये पवित्र धाम पे। तो आप तब मतलब महीना, दो महीना, तीन महीना, जितना दिन आके यहाँ पर रह सकते हैं और यहाँ का आनंद उठा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि जिसकी बहुत तबीयत खराब है, ऐसे लोग भी आके यहाँ रहते हैं और अपने को खुद एकदम अच्छे हो जाओ, अच्छे होकर और फिर वो वापस जाते हैं। इस तरह के भी लोग यहाँ बहुत आते हैं, क्योंकि यहाँ का हर की पूरी गंगा जी, गंगा मैया में एक बार स्नान करने के बाद सारा तकलीफ दूर हो जाता है। आपको दिखा रहे हैं देखिए, और फास्ट करिए।